नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि साल 2023 में घर के निर्माण कार्य के प्रत्येक वर्ग का लेबर रेट क्या चल रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ब्रिक वर्क करने का क्या रेट है, प्लास्टर करने का क्या रेट चल रहा है, और इसके साथ साथ पेंट पुट्टी का क्या रेट है, इलेक्ट्रिक वायरिंग करने का लेबर रेट क्या देना होगा, और प्लम्बिंग वर्क करने का लेबर रेट कितना रुपए रनिंग फिट चल रहा है, और टाइल्स लगाने की सोच रहे हैं तो टाइल्स लगाने का रेट कितना रुपए स्क्वायर फिट है, और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि बार बेंडिंग यानी कि सरिया बांधने का रेट 2023 में क्या चलने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि साल 2023 में निर्माण कार्य करने का नया लेबर रेट क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यदि हम प्लास्टर वर्क की बात करें तो प्लास्टर वर्क करने का नया लेबर रेट 15 रुपये से लेकर यानी कि 15 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 18 रुपये स्क्वायर फीट के बीच चलेगा। ये बिल्कुल नया रेट है, हमने अपने एरिए में अभी कल ही पता किया था। यदि नॉर्मल प्लास्टर है तो 15 रुपये पर स्क्वायर फीट, और ये डिज़ाइन वाला प्लास्टर है तो 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लिया जाएगा। आपके एरिए में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एरिया बदलने के साथ साथ लेबर रेट भी थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। और यदि आपके एरिया में बिल्कुल सेम रेट है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लास्टर के बाद यदि हम ब्रिक वर्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दीवार को जोड़ने की क्रिया को हम ब्रिक वर्क बोलते हैं। और 2023 में यदि हम ब्रिक वर्क के लेबर रेट की बात करें तो 20 रुपये से लेकर यानी कि 20 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट चलेगा। और आपके एरिया में ब्रिक वर्क करने का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ब्रिक वर्क के बाद यदि हम पुट्टी वर्क की बात करें तो साल 2023 में पुट्टी करने का जो नया रेट है वो 3 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 5 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच चलेगा। और इस रेट को भी मैंने 1 जनवरी को पुट्टी करने वाले से पता किया था। पुट्टी के बाद यदि हम पेंट की बात करें तो पेंट का भी रेट 2 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 3 रुपये स्क्वायर फीट के बीच चलेगा। यहाँ पर पेंट वाले ने हमसे ये बताया कि केवल यदि आप पेंट कराते हैं तो 3 रुपये पर स्क्वायर फीट बोला जाएगा, बट 2 रुपये पर स्क्वायर फीट में कर दिया जाएगा। आपके एरिया में पेंट करने का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। पेंट के बाद यदि हम 2023 में इलेक्ट्रिक रेट की बात करें तो इलेक्ट्रिक जो रेट है वो पॉइंट के हिसाब से लिया जाता है। जैसे एक लाइट लगाने का 200 रुपये पर पॉइंट लिया जाएगा। यहाँ पर वायरिंग करने वाले ने हमसे ये बताया कि 200 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से बोला जाता है, बट 180 रुपये में कर दिया जाता है। आपके एरिया में पर पॉइंट क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यदि 200 रुपये पर पॉइंट है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ यदि हम एक फ़ैन के पॉइंट की बात करें तो फैन में टोटल 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट फैन का रेगुलेटर हो गया, और इसके साथ साथ एक पॉइंट जो है स्विच का हो गया, तो दोनों का मिलाकर 400 रुपये हुआ, यानी कि एक फैन लगाने का 400 रुपये हो गया। नेक्स्ट यदि हम MCB की बात करें तो एक MCB लगाने का टोटल 200 रुपये होता है। तो इसी हिसाब से जितनी भी MCB आप लगा रहे हैं 200 करके काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यदि हम टाइल्स वर्क की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में टाइल्स वर्क का जो रेट है वो 14 रुपये यानी कि 14 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 16 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। टाइल्स के बाद यदि हम प्लम्बिंग वर्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर में वाटर सप्लाई का सिस्टम बनाने के लिए हमें वाल की कटिंग करके कुछ इस तरीके से पाइपें लगानी पड़ती हैं, और इसके साथ साथ बाथरूम का बेस्टेस वाटर निकालने के लिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी पाइपें लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले वाटर सप्लाई के लिए कुछ इस तरीके से वाल की कटिंग करके जो पाइप लगाई जाती है, इस पाइप को लगाने का जो प्रेजेंट टाइम में लेबर रेट चल रहा है वो 25 रुपये से लेकर यानी कि 25 रुपये रनिंग फिट से लेकर 30 रुपये रनिंग फिट चल रहा है। यानी कि इस रेट में आप देख सकते हैं कि वाल की कटिंग करके पाइप लगाई जाएगी, और पेमेंट लेते समय जितनी दूर तक पाइप लगाई गई है उसी को माप लिया जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बाथरूम के बेस्टेस को निकालने के लिए कुछ इस तरीके से जो मोटी पाइपें लगाई जाती हैं इनकी बात करें तो जमीन की खुदाई करके कुछ इस तरीके से मोटी पाइप लगाने का जो रेट है वो 70 रुपये यानी कि 70 रुपये पर रनिंग फिट है। यानी कि 70 रुपये में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जमीन खोदी गई है इसको खोदी जाएगी, और इसके साथ साथ इसमें पाइप लगाई जाएगी, और पाइप लगाने के बाद इसको बंद करने का जो रेट है वो 70 रुपये यानी कि 70 रुपये पर रनिंग फिट है। और इसके साथ साथ प्लम्बर ने हमें ये भी बताया कि यदि पाइप को 1 फीट से ज़्यादा गहराई पर रखना है तो उस सिचुएशन में 100 रुपये पर रनिंग फिट के हिसाब से लेबर रेट लिया जाएगा।
नेक्स्ट यदि हम बार बेंडिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं स्लैब बीम कॉलम के सरिये को कुछ इस तरीके से कटिंग करके मोड़ के जहां पर जिस हिसाब से जरूरत होती है उस हिसाब से बांधा जाता है। तो कटिंग करके स्टील को बांधने की क्रिया को हम बार बेंडिंग बोलते हैं और इस काम को करने का जो लेबर रेट है वो 380 यानी कि 380 रुपए पर कुंतल से लेकर 550 रुपए पर कुंतल के हिसाब से चल रहा है। तो 2023 में कंस्ट्रक्शन वर्क के प्रत्येक वर्क का लेबर रेट क्या चलेगा, इस वीडियो में हमने आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।